लो गाइस, आज तुम्हारा भाई बनाने वाला है अनार। जो हम दिवाली पर अनार जलाते हैं वही अनार बनाने वाला। और हम जो दुकानों पर से खरीद कर लेकर आते हैं वो काफी महंगे अनार होते हैं, और जो हम घर पर होममेड अनार बनाएंगे वो काफी सस्ता अनार होगा। उसके लिए हम यूज में लेकर आएंगे शुगर, जो हम घर पर यूज करते हैं, घर पर हम लाते हैं वही चीनी है। और इसके अंदर एनर्जी होती है और यही एनर्जी हमारे अंदर रहती है, तो कुछ इसी को यूज करके हम अनार बनाने वाले हैं। और जो हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम पोटास कहते हैं, ये भी हमारे पास पाउडर फॉर्म में है। इन दोनों को ही मिक्स करके हम बनाने वाले हैं एक देसी अनार। तो चलते हैं फिर से शुगर को पाउडर फॉर्म में करने। तो गाइस, जो हमने चीनी है वो पाउडर फॉर्म में कर लिया, जो हमारी शुगर हमने पाउडर फॉर्म में कर लिया। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पाउडर फॉर्म में कर लिया। और ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, इसे भी हमने पहले से ही पाउडर फॉर्म में कर रखा। जो इनकी परसेंटेज रहेगी, हमारे जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसकी 70% रहेगी, और जो हमारी शुगर मिक्सअप में 30% रहेगी। और दोनों को मिला के मिक्सअप तरीके से देसी अनार बनाएंगे। जो हमारे पास देख सकते हो गाइस, ये हमारा अनार खरीदे हुआ दुकान पर से खरीदे हुआ अनार है, और ये हमारा देसी अनार है। गाइस आप देख सकते हो, ये हमारा घर का बना हुआ देसी अनार है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसी में ही हम देसी अनार बनाने वाले और आपको दिखाने वाले हैं। और टेस्टिंग इसकी भी करेंगे, जो हम खरीद के अनार ले गए दुकान पर से, और जो हम घर पर बनाएंगे देसी अनार इसकी भी टेस्टिंग करते हैं। तो फिर दोनों को मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि परसेंट रहेगी 70% हमारी पोटेशियम नाइट्रेट की रहेगी। देख सकते हो कि हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है 70% रखना, और शुगर हमारी 30% रखनी है। तो गाइस, इस तरीके से हमारी 70% ये होगी, और एक चम्मच ये लेंगे तो हमारी 30% ये हो जाएगी इस हिसाब से। और आप देख सकते हो हमने दोनों को मिक्स कर लिया, इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। कुछ थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ी टेस्टिंग करते हैं भाई, इससे पता लग जाएगा कि हमारा अनार की टेस्टिंग कैसी रहेगी। तो गाइस देख सकते हो, जो हमारा अनार का फ्यूल है काफ़ी बढ़िया तरीके से बन चुका। तो फिर इसे हम अनार में डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा खरीदे हुआ अनार है, इसे रखते हैं साइड में। जो हमारा देसी अनार है इसे हम भरते हैं। तो गाइस ये हमारा देसी अनार है, जो हमारा खरीदे हुआ अनार है। पहले इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये कितने टाइम तक चलेगा, फिर हम देसी अनार टेस्ट करके देखते हैं। तो अपना जो हमारा देसी अनार है इसे रखते हैं साइड में, जो हम खरीद कर ले गए। इसकी टाइमिंग क्या होगी, कितनी देर तक चलता है। आपने देखा होगा, जो हमारा खरीदा हुआ अनार था वो काफी टाइम तक तो नहीं चला। अब हम चलाएंगे देसी अनार, और इसकी टाइमिंग देखते हैं कितने टाइम तक चलता। और गाइस बहुत ही सस्ते हैं अनार, तो इसे चला कर देखते हैं फिर। और जो हमारा ये खरीदा हुआ अनार था इसे रखते हैं साइड पर, और इसकी टेस्टिंग करते हैं भाई, देसी अनार की टेस्टिंग करते हैं, और इसकी टाइमिंग देखते हैं कितने टाइम तक चलता है हमारा। जो हमारा खरीदा हुआ अनार था वो तो काफी टाइम तक नहीं चला। तो गाइस आपने देखा ही होगा, जो हमारा देसी अनार है काफी टाइम तक जला। जो हम खरीद कर अनार लेकर आए थे, ये अनार खरीद कर लेकर आए थे, इससे भी काफी टाइम तक हमारा अनार जला। और ये हमारा 15 रुपये बनकर तैयार हो चुका, और जो हम खरीद कर लेकर आए थे 40 रुपया खरीद कर लेकर, इससे भी ज्यादा टाइमिंग में हमारा देसी अनार बनकर तैयार हो चुका, काफी बड़े तरीके से जल चुका। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। गाइस आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना। और जो हमारा भाई नया है इस चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जो हमारी आने वाली नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और फिर मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ।